नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं इंडी न्यूज। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत जनगण मन के बराबर माने जाने की याचिका को दिल्ली कोर्ट ने किया रद्द। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा देने की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही राष्ट्रगान के बराबर वंदे मातरम के प्रचार प्रसार की मांग को भी दिल्ली कोर्ट ने नकार दिया है। कुछ दिन पूर्व दिल्ली भाजपा के नेता और प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी याचिका में इस बात को भी कहा था कि देश के हर स्कूल में इसे गाया भी जाना चाहिए। अश्विनी के अनुसार देश की आजादी में वंदे मातरम ने अहम रोल निभाया है। हर वर्ग आयु जाति के लोगों ने इसे गाया था। लाहौर से वंदे मातरम नाम का एक उर्दू अखबार भी प्रकाशित किया जाता था, जो आजादी के दीवाने सबसे ज्यादा पढ़ते थे। जानकारी के लिए बता दें, मुसलमानों ने इस गीत पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सन 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति को गठित किया था। इस समिति में मौलाना अबुल कलाम आजाद भी शामिल थे। समिति ने पाया था कि इसमें केवल शुरुआती दो पंक्तियों में ही मातृभूमि की प्रशंसा की जा रही है और बाकी हिंदू देवी देवताओं की तारीफ की जा रही है। इसके बाद समिति ने फैसला किया था कि पहली दो पंक्तियों को ही राष्ट्रगीत के लिए लिया जाए। बाकी की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडी न्यूज़।